वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ तुम लोग ठीक होगे, फिट फाट होगे। तो यार अभी हम लोग कर रहे हैं लंच, और लंच में आज बनी है थोड़ी डिफरेंट सी डिश जो कि हम लोगों ने शायद पहली बार बनाई है या कोई दूसरी तीसरी दफ़ा बनाई होगी, मैंने तो जो है ना कभी नहीं खाई। और आज मामा ने बनाए हैं लोबिया और साथ चिकन, एंड मज़े के लग रहे थे क्योंकि मुझे ना खाती नहीं हूँ मैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन मुझे अच्छी लगी। तो अभी फटाफट से खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ना तुम लोगों से मिलते हैं। और यहाँ पर भाई कराए थे चेरीज, और चेरीज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हमने चाय शाय पी, और उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ा सा फुटबॉल खेला। अभी सब सो रहे हैं तो मैंने ना अकेले ही खेल लिया था, और मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है फुटबॉल या इस तरह के स्पोर्ट्स वगैरह। एंड मैं लेट उठी थी, मैं उठी अभी हूँ, और सब उठने के बाद दोबारा सो भी गए हैं, तो अभी थोड़ा सा खेल लेते हैं। तो यार अभी ना भाई लेकर आए थे आड़ू पीच, और मैं ना अभी इन्हें वॉश कर रही हूँ, और वॉश करते करते मैंने अपने सारे कपड़े जो है ना गीले कर लिए हैं। एंड आजकल तुम लोगों को पता है कि गर्मी है, तो गर्मियों में जो है ना सीज़न होता है पीच का, एंड ये काफ़ी ज़्यादा ना फ़ायदेमंद भी होता है। इसके बहुत सारे फ़वाद होते हैं और एक रिफ़्रेशिंग फ्रूट है। तो इससे क्या होता है कि आपका वेट लॉस होता है, आपकी विजन जो है इम्प्रूव होती है, इसके अलावा रिलीफ मिलता है कॉन्स्टिपेशन से, कार्डियोवेस्कुलर बेनिफिट्स होते हैं, इसके अलावा गुड होता है बोन हेल्थ के लिए, एंड इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन को, और कैंसर सेल्स से फाइट करता है। एंड इतने मज़े मज़े के पीछे से इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, तो मेरा खाने का भी मूड नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जूस बना लें, इसका जूस ही पीते हैं। और तुम लोगों को भी बनाना सिखाती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है। एंड आज तुम लोगों के साथ एक मज़े की ना रेसिपी भी शेयर करूँगी जूस बनाने की। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एक पिलर, प्लेट एंड नाइफ, और उसके बाद सारी चीज़ों को बाहर लेकर चलते हैं, और ना बाहर जाके जो है ना सारी चीज़ें जो है कट शट कर लेते हैं, असेंबल वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। एंड आज ना काफ़ी ज़्यादा लेजी हुई थी मैं, क्योंकि पता नहीं अब यूनिवर्सिटी ख़त्म होने की थकावट है या क्या चीज़ है, पेपर्स ख़त्म हुए हैं ना तो मुझसे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, कोई काम नहीं हो रहा मुझसे। तो अभी ये ड्रिंक पीने के बाद जो है ना एनर्जी भी आ जाएगी और हम जो है ना फ्रेश भी हो जाएंगे, तो अभी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना ले लिए हैं आड़ू पीच, और अभी ना इनको हमने पील ऑफ करना है, और ये वाला जो मैंने लिया था ना पहले वाला आड़ू वो बहुत ज़्यादा नरम था, तो वो मुझसे ठीक से हुआ नहीं। जो दूसरा आड़ू था ना वो बहुत मज़े का था, वो मतलब हार्ड थे जैसे मुझे चाहिए था, और वो अच्छे से पील ऑफ हो गया था। तो सबसे पहले हमने इसको पील ऑफ करना है अच्छे से, सारे जो इसके छिलके वगैरह ना वो उतार देना है। एंड इतने मज़े की ड्रिंक है, अगर कोई गेस्ट वगैरह भी आ जाते ना घर में तो उसको भी आप लोग सर्व कर सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा मज़े का लगता है ये। तो बिना फटाफट से इसको जो पील ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। पील जो है ना हमेशा हार्ड लेना चाहिए, क्योंकि ना वो आराम से कट हो जाता है, जो नर्म वाला होता है ना वो बहुत तंग करता है और बहुत मुश्किल से पील होता है। एंड ना यार मुझे तो रिपोर्ट की टेंशन लगी हुई है, अब फटाफट से उसको बिना कंप्लीट करके वो भी जो है मुसीबत सर से उतारते हैं। एंड यार जो इंटर के स्टूडेंट्स पूछ रहे थे जैसे एलसी की एडमिशन का, तो यार उन लोगों को मैं बता दूं कि एडमिशन जो है ना इंटर के वो बंद हो चुके हैं एलसीडब्ल्यूयू में, और बीएस के लिए जो क्राइटेरिया है एलसी में अप्लाई करने का वो है 60% अबव। जिन बच्चों के 60% अबव या 60% मार्क्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एलसी में बीएस प्रोग्राम्स के लिए। एंड बीएस के एडमिशन अभी तक नहीं खुले, जब ओपन होंगे तो मैं तुम लोगों को वो भी बता दूंगी, और कैसे अप्लाई करना है वो भी बता दूंगी। एंड अभी ना मेरा नेक्स्ट टारगेट है एमफिल में एडमिशन, सो मैंने भी अभी प्रिपरेशन करनी है अपने एमफिल के एडमिशन के लिए, सो विश मी बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। तो ये था नर्म वाला आड़ू, बड़ी मुश्किल से ये जो हो गया है, और तुम लोग देख सकते हो कि अब ना हम लोगों ने क्या करना है, इसको कट करना है छोटे छोटे क्यूब्स में। और मैंने पहले सोचा था कि एक आड़ू को बना लेती हूँ, लेकिन फिर बाद में मुझे ये छोटा लग रहा था तो मैंने एक और ले लिया था, और फिर उसको भी हम लोगों ने ना इसी तरह से कट करना है, पील ऑफ करना है और क्यूब्स बना लेने हैं उसके छोटे छोटे। एंड गाइस जो लोग पूछ रहे थे कि एलसी पब्लिक है या प्राइवेट, तो एलसी ना पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और ये जो है ना 9th रैंक पर आती है पंजाब में, और 11th रैंक पर आती है पूरे पाकिस्तान में। तो यार बस मेरा ये काम ऑलमोस्ट हो चुका है, ये मेरा दूसरा आड़ू भी ना कट चुका है, इसके छोटे छोटे क्यूब्स रह गए हैं बस बनाने, और ये भी फटाफट से बना लेते हैं, और उसके बाद ना बाकी का काम शुरू करते हैं। एंड साथ साथ ना ये बर्तन भी वॉश करके रख दूँगी, और सफाई भी साथ साथ कर दूँगी, गन जो है ना नहीं फिलाना मैंने, क्योंकि अब छुट्टियां हो गई हैं ना तो सारा काम मुझे करना पड़ेगा। सो ये हो गया, अब अंदर चलते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। एंड ये दो प्लेट्स में क्यूब्स है, दोनों को साथ मिला लेते हैं, और गन जो है ना वो एक प्लेट में कर देते हैं। तो ये मैंने ना क्यूब्स बना लिए हैं, अब इसको क्या करना है मैंने ग्राइंड करना है, और सारी चीज़ें पहले एक साथ लेकर आ जाती हूँ ना, एक साथ रख लेती हूँ सारी चीज़ें, ताकि मुझे बार बार मेहनत तक करनी पड़े। मुझे
चाहिए जूसर, और जूसर के साथ मुझे चाहिए इसका कैप, साथ में चीनी चाहिए मुझे, और चाहिए नमक, और एंड पे मुझे चाहिए, तो कुछ लोग ना इसमें पुदीना भी डाल देते हैं लेकिन मुझे नहीं पसंद मिंट, और वैसे भी ना मुझे ढूंढना पड़ना था कि किधर है, सो इसलिए मैं मिंट नहीं डाल रही हूँ। मुझे जो चीज़ें अवेलेबल है ना मैं उसके साथ बनाऊंगी, क्योंकि बाकी जितनी चीज़ें आप ऐड कर लो वो आपकी मर्ज़ी होती है, आप चाहो तो इसमें बोतल ऐड कर लो, आप चाहो तो इसमें और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। हालांकि मेन मकसद तो हमारा सिर्फ एक पीच की ड्रिंक बनाना है, सो इन चीज़ों से भी बन जाएगा। तो मुझे मैंने जो है ना सारी चीज़ें पास ला के रख ली हैं, और अभी मुझे चाहिए एक कप में पानी। पानी जो है ना आप लोगों ने ठंडा लेना है, या आप पानी की बजाय ना आइस क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ 1 कप पानी ले लिया ठंडा, एंड जाके फ्रिज में देखती हूँ कि मुझे फ्रिज में कुछ मिलता है इसमें डालने के लिए कि नहीं। और मुझे ना लेमन चाहिए था, और मामा कह रही थी कि लेमन मत डालो क्योंकि उससे खट्टा हो जाएगा, लेकिन मैंने जो रेसिपी देखी हुई है ना उसमें लेमन था, और मैं लेमन जो है ट्राई करूँगी क्योंकि लेमन भी अच्छा होता है। तो ये चीज़ें इधर रख देते हैं, और अभी ना जाके फ्रिज से लेमन लेकर आते हैं क्योंकि खट्टा नहीं होगा। लेमन हम लोगों ने बहुत थोड़ा सा डालने से 1 टीस्पून डालने हम लोगों ने, तो उसका क्या ही फ़र्क होगा, जस्ट एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। सो मैं लेमन ढूंढ रही थी, और यहाँ पर एक हाफ कट लेमन था तो मैंने यही वाला ले लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही चाहिए, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया, तो यही वाला लेमन जो है ना यूज़ कर लेते हैं। सो लेमन मैंने ले लिया है, अब जाके ना अपनी रेसिपी जो है ना उसे कम्प्लीट करते हैं। लेमन ले आई हूँ, अब मैंने क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को ना हमने अपने जूसर में डालना है। सबसे पहले हम लोग डालेंगे जो हमने क्यूब्स बनाए थे पीच क्यूब्स, वो इसमें डाल देंगे, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें भी एक एक करके डाल देंगे। तो क्यूब्स मैंने तुम लोगों को पता है कि 2 पीचेस लिए थे, तो मेरे छोटे थे, तुम लोग चाहो तो एक बड़ा भी ले सकते हो। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड करना है 1 कप पानी, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून शुगर। शुगर हम लोग ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 टेबल स्पून लेना है, और अगर तुम लोग आलू ज़्यादा लोग तो 2 to 3 टेबल स्पून तुम लोग शुगर ले सकते हो। इसके अलावा हमने इसमें ऐड करना है सॉल्ट, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब हसबे जायका नमक, यू नो नमक ज़्यादा नहीं डालना हम लोगों ने। और एंड पर हम लोगों ने ना इसमें लेमन स्क्वीज़ करना है, और लेमन हम लोगों ने थोड़ा ही लेना है। ये देखो मैंने लेमन भी इसमें पूरा नहीं डाला, सिर्फ थोड़ा सा लेमन डाला है। सो सारी चीज़ें मैंने डाली हैं, अब इसको हमने क्या करना है कि अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंड कर लेते हैं अभी इसको, ऑल डन। तो चलो यार अभी इसको ना कंप्लीट कर लेते हैं, जूस को ग्राइंड कर लेते हैं। सारी चीज़ें इसमें डाल दी थी, अब सिर्फ इसको ग्राइंड करना बाकी रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझसे लग नहीं रहा था, एंड ये जो स्विच है ना ये भी थोड़ा लूज़ है, तो मुझे पकड़ के रखना पड़ेगा और इसको बनाना पड़ेगा। एंड यार मैंने सोचा था छुट्टियाँ होंगी तो कोई ड्रामा शुरू करूँगी, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सा ड्रामा देखूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया ड्रामा देखने में ना। और हालांकि मैं पेपर्स के दरमियान में देख रही थी, एंड अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। ऐसे ही होता है, पेपर में दुनिया जहान की जो है ना एंटरटेनमेंट याद आ रही थी कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और अभी पेपर से फ्री हो गई हूँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, एंड कुछ करने का दिल भी नहीं करा, अजीब मतलब। तो यार ये ग्राइंड ना ऑलमोस्ट हो चुका है, अब इसको बंद कर देते हैं और इसको उठा के साइड पे रखते हैं। इतनी देर ना मैं ग्लास निकाल लेती हूँ, और ग्लास में अपना फेवरेट ब्रांड निकालती हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्यूट सा मिनी सा ग्लास है मेरा। एंड जब मैंने इतनी मेहनत की है इसको बनाने में, खैर मेहनत तो नहीं थी लेकिन अगर इसको बना ही लिया है तो इसकी ना हम लोग गार्निशिंग भी अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है ना इसको निकाल लिया था ग्लास में, एंड अभी साइड पे हम लोगों ने इस पर लगाना है पीच स्लाइस, और इससे कितना एस्थेटिक लग रहा है। तो मुझे स्नैप के लिए भी एक कॉन्टेंट मिल गया है, एंड आई होप सो ये मज़े का होगा। मैंने इसको पिया था और यार ये सच में बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग भी था, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा था। तो यार ये थी मेरी आज की वीडियो, आज मैंने तुम लोगों को अपनी वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाना सिखाई है जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। और तुम लोगों को भी मैं सजेस्ट करूँगी कि ये जो ड्रिंक है ना घर पर ट्राई करो, अपने गेस्ट वगैरह को पिलाओ, और जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े की ड्रिंक बनेगी ये तुम लोगों की भी। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह विल बी राइट बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो, तब तक के लिए कहीं भी मत जाइएगा, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।